जिस तरह मैंने तुमको चाहा है उसी तरह कोई और तुम्हें चाहे तो जा, भूल जा हमें। लिए मैं पागल हूँ क्या? अरे जा, मेरे को भी कोई जरूरत नहीं है, बाय। यार भाई, ये तुम लोग का ऐसा कैसा रिश्ता है यार जिसमें रोज लड़ाई होती है। मेरे भाई, अगर किसी रिश्ते में लड़ाइयां ना होना तो समझ जाना कि ये रिश्ता दिल से नहीं, दिमाग से निभाया जा रहा है। कुछ बिगाड़ नहीं सकता तेरा मैं, प्यार जो करता हूँ ना भूल सकता हूँ, पर याद करने की भी कोई वजह नहीं। हाँ हाँ, करवा रहा हूँ, एक सेकंड। भाई बात करिए एक बार, किसका है, बात तो कर। हेलो, कल मेरी शादी है, अपना ध्यान रखना। अगर अब याद आता है भाई, मैंने सुना तेरा ब्रेकअप हो गया। किसने कहा भाई? ब्रेकअप टाइम पास करने वालों के बीच होता है, सच्चा प्यार करने वालों के बीच नहीं। सच्चा प्यार करने वालों के बीच एक छोटी सी लड़ाई होती है। हेलो, सॉरी बाबू। हेलो, नंबर से कॉल लगा के देखते तेरी आवाज पहचानती है क्या। ठीक है। हेलो। हेलो, कौन? मेरी जान, मुझे पहचाने नहीं? अरे मजर, कल उसने मुझे बोला कि उसे नींद आ रही है, तो मैंने बोला ठीक है सो जाओ, मैं भी सोने जाता हूँ। फिर मैं, मुझे 10-15 मिनट बाद याद आया, यार मैंने तो उसे लव यू बोला ही नहीं। फिर मैंने कॉल किया, चलो उसको लव यू बोलते। जब मैंने उसको कॉल लगाया ना, तब फोन से ये आवाज आ रही थी। कॉल किया है, वह अभी व्यस्त है। अब टूट गया दिल तो बवाल क्या करे, खुद ही किया था पसंद तो अब सवाल क्या करे। दिल मेरा तोड़ दिया उसने, बुरा क्यों। रेशु। हाँ। मेरी एक्स वापस आ गई। तो अपना सफर यही तक। सुनो। बोलो। हमसे रिश्ता बनाए रखना, हम वहाँ काम आते हैं जहाँ सब साथ छोड़ जाते हैं। अरे दिल लगाने से बेहतर था, इस दिल को आग लगा देती। कोई पूछे मेरे दिल से। Dear X, तू छोड़ के चली गई, क्या तूने कभी ये सोचा है कि कोई मुझे भी छोड़ सकता है? बातें किसी और से, क्रश किसी और पे, दिल में कोई और है, शादी किसी और से। पता यार, अगर तुम किसी के लिए रोते हो ना तो किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता और ना ही किसी को एहसास होता खुद के अलावा। यार मैं आता हूँ कॉलेज से। तुम मेरे लिए कॉलेज नहीं छोड़ सकते? फिर दोस्तों के साथ पार्टी में भी तो जाना है। तुम मेरे लिए पार्टी नहीं छोड़ सकते? अरे एक मिनट, माँ का कॉल आ रहा है। हाँ माँ। अच्छा ठीक है, आता हूँ। यार माँ बुला रही है, मैं आता हूँ घर से। तुम मेरे लिए माँ। चुप। जन्म देती है जो माँ, जिसे जग कहे अपनी संतान में प्राण जिसके रहे। ममता के मंदिर की है तू सबसे प्यारी मो।
भगवान नजर आता है जब देखे तेरी सूरत, जब जब दुनिया में आए तेरा ही आंचल पाए, जन्मों की दीवारों पर हम प्यार अपना लिख जाए ये बंधन तो। देख आज मैं तेरे लिए घर से क्या लाया खाने को। अरे बहन इसके घर का खाना मत खा, इसकी माँ ना दूसरों के घर बर्तन मांजती है। तो क्या हुआ अगर माँ दूसरों के घरों में बर्तन मांजती है, माँ तो आखिर माँ होती है ना। जन्म देती है। तू मेरे लिए क्या क्या छोड़ सकती है? सब कुछ। अपनी माँ को भी? हाँ बाबू। ठीक है आज से हमारा ब्रेकअप। क्या हुआ? जो अपनी माँ की नहीं हो सकती वो मेरी क्या होगी। जन्म देती है जो माँ जिसे जग कहे। भाई क्या हो गया, इतना शौक होके क्यों बैठा है तू? यार तू बिलीव नहीं करेगा, रात को मैं नशे की हालत में रास्ते पर गिर गया था, मेरी माँ आई और मुझे उठा के घर लेके गई यार। हाँ तो इसमें क्या है भाई, किसी की भी माँ होती तो घर पे ही लेके जाती। हाँ यार पर मेरी माँ को मरे हुए 3 साल हो रहे हैं। एक 8 साल के बच्चे की माँ मर जाती है। एक दिन उसके बाप ने उससे पूछा कि बेटा तुझे तेरी मरी हुई माँ और नई माँ में क्या फर्क लगा? तो बेटे ने जवाब दिया कि मेरी नई माँ सच्ची है और मेरी मरी हुई माँ झूठी थी। ये सुनकर उसके बाप को झटका लगा और उसने कहा कि बेटा तू ऐसे कैसे कह सकता है कि जिस माँ ने तुझे जन्म दिया वो तुझे झूठी लगती है और कल की आई माँ तुझे सच्ची लगती है। तो बेटे ने जवाब दिया, पापा जब मैं मस्ती करता था ना तो माँ कहती थी अगर तू मस्ती करेगा तो मैं तुझे खाना नहीं दूंगी, लेकिन फिर भी मैं मस्ती करता था और वो मुझे पूरे गांव से ढूंढ कर लाकर अपने पास बिठाकर अपने हाथ से खाना खिलाती थी, और नई माँ कहती अगर तू इसी तरह शरारत करेगा ना तो मैं तुझे खाना नहीं दूंगी, और आज सच में उसने मुझे 3 दिन से खाना नहीं दिया। यार बेबी सुनो ना। हाँ? कल ना मम्मी का बर्थडे है तो मैं सोच रहा हूँ उनको कोई अच्छी सी ड्रेस गिफ्ट कर दूँ। तुम पागल हो, तुम्हारी मम्मी की ड्रेस पहनने की उम्र है? अच्छा सुनो मम्मी को ये गिफ्ट करना, डायमंड ब्रेसलेट। और क्या, तुम्हारी मम्मी ने मुझे हीरे जैसा बेटा दिया है तो सिर्फ एक ड्रेस गिफ्ट करोगे?